नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में फिजिकल टीचर के 8000 से ज्यादा पदों के लिए बहाली का रास्ता जल्द ही साफ होने वाला है। राज्य के कृत प्रारंभिक स्कूल में 8386 स्कूल में एक एक शारीरिक शिक्षा से स्कूल स्वास्थ्य अनुदेशक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियोजन का स्केड्यूल भी जारी हो सकता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने इसको लेकर सभी 8086 पद 38 जिलों को आवंटित कर दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को आदेश दिया है कि वो 24 जनवरी तक इन पदों को विद्यालयवार और नियोजन इकाई वार आवंटित करे। इसकी सूचना प्राथमिक निदेशालय को सौंप दे। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया है कि आरटीआई के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में 8000 प्रति माह के नियत वेतन पर फिलहाल 8386 स्कूल में एक एक फिजिकल टीचर से स्वास्थ्य अनुदेशक के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। उन्हें 200 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। डीईओ को इस बाबत कहा गया है कि वो पोस्टेड का उप आवंटन करते वक्त अधिकतम नामांकन वाले स्कूल को प्राथमिकता देते हुए नामांकन के घटते क्रम में करेंगे। जिन मिडिल स्कूल में पहले से फिजिकल टीचर पोस्टेड है, वहां पर आवंटित नहीं किए जाएंगे। राज्य भर में आवंटित किए जाने वाले फिजिकल टीचर की बात करें तो पटना में 334, बेगूसराय में 216, सिवान में 252, अररिया में 182, अरवल में 60, औरंगाबाद में 294, बांका में 245, भागलपुर में 257, भोजपुर में 236, बक्सर में 135, दरभंगा में 261, पूर्वी चंपारण में 383, गया में 406, गोपालगंज में 197, जमुई में 244, जहानाबाद में 102, कैमूर में 171, कटिहार में 208, खगड़िया में 148, किशनगंज में 172, लखीसराय में 84, मधेपुरा में 213, मधुबनी में 291, मुंगेर में 136, मुजफ्फरपुर में 401, नालंदा में 239, नवादा में 201, पूर्णिया में 244, रोहतास में 231, सहरसा में 148, समस्तीपुर में 286, सारण में 306, शेखपुरा में 68, शिवहर में 54, सीतामढ़ी में 258, सुपौल में 180, वैशाली में 279 और पश्चिम चंपारण में 264 पद आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।